लखनऊ के ड्रेसिंग रूम में बनी रणनीति। टीम का साथ छोड़ने वाले हैं कई खिलाड़ी। केएल राहुल को टीम के मालिक ने लगाई डांट, तो होटल में बैठकर रोए केएल राहुल। आथिया ने समझाया, रोहित विराट ने हौसला बढ़ाया, पर शाहरुख ने किया बड़ा काम। हैदराबाद के हाथों मिली शर्मनाक हार के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने जिस तरह से केएल राहुल की क्लास लगाई है, जिस कदर पूरी टीम और लाखों फैंस के सामने राहुल को खरी खोटी सुनाई है, उसके बाद से लखनऊ टीम के खिलाड़ी एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। पर वो रणनीति बताएं, उससे पहले ये तस्वीर देखिए और समझिए कि क्या एक खिलाड़ी की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। ये तस्वीर तब की है जब राहुल हार की बात ग्लव्स उतारते हुए पवेलियन की ओर बढ़ रहे थे। तभी टीम के मालिक संजीव गोयनका आते हैं, उनके साथ एक महिला भी होती है और तुरंत राहुल को सुनाने लगते हैं। राहुल समझाने की कोशिश करते हैं, दोनों के बीच में बातचीत क्या होती है ये नहीं पता, पर हम आपको इतना बता सकते हैं कि संजीव काफी गुस्से में थे और उनके गुस्से की वजह टीम की हार नहीं बल्कि ट्रेविस हेड को नहीं रोक पाना और टीम के किसी खिलाड़ी का वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं हो पाना है। आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ये चार ऐसी टीमें रही हैं। आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ये चार ऐसी टीमें रही हैं जहां से T20 वर्ल्ड कप टीम में किसी भी भारतीय खिलाड़ी का सिलेक्शन नहीं हुआ। सनराइजर्स हैदराबाद से अभिषेक शर्मा और टी नटराजन टीम में चुने जाने की दावेदार थी, जबकि लखनऊ से केएल राहुल के चुने जाने की चर्चा तेज चल रही थी। लेकिन राहुल की कप्तानी में लखनऊ की टीम ने इस बार ऐसा खेल दिखाया कि फैंस में टेंशन है। यहां तक कि टीम इंडिया और गेंदबाजों के सबसे बड़े दुश्मन ट्रेविस हेड के सामने तो राहुल की टीम ने सरेंडर कर दिया। मूंछ वाले जिस खिलाड़ी ने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया था, उस खिलाड़ी ने लखनऊ के खिलाफ भी इस मैच में 30 गेंदों में 89 रन की पारी खेली और इसे देखकर संजीव गोयनका को ये लगा होगा कि आखिर हमारे गेंदबाज कैसे हो गए हैं। एक मालिक के तौर पर संजीव गोयनका ने जो किया उसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है और करना भी नहीं चाहिए। कोई स्टार खिलाड़ी हो या फिर आम आदमी, हर किसी की अपनी प्रतिष्ठा होती है और सार्वजनिक तौर पर किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। खबर है कि केएल राहुल जब इस फटकार के बाद ड्रेसिंग रूम में लौटे तो बेहद गुस्से में थी। पत्नी आथिया से लेकर विराट और रोहित तक ने उन्हें फोन कर समझाया, लेकिन कहते हैं जब दिल दुखता है तो किसी की समझाइश काम नहीं आती है और शायद यही वजह है कि राहुल की आंखों में आंसू नहीं थे पर वो दिल से रो रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग राहुल के साथ इस व्यवहार से इतने आहत हैं कि उन्हें टीम छोड़ने तक की सलाह दे रहे हैं। कोई तो ये तक कह रहा है कि यही हाल इन्होंने गौतम गंभीर के साथ बंद कमरे में किया होगा। तभी गौतम गंभीर ने इनकी टीम छोड़ दी और शाहरुख खान के साथ चले गए। लोग केएल राहुल को ये सलाह दे रहे हैं कि आपको भी शाहरुख खान या फिर सीएसके वाली टीम में चले जाना चाहिए, जहां पर हार के बाद कप्तानों की इस तरह से सार्वजनिक तौर पर क्लास नहीं लगती बल्कि उनकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखा जाता है। रजत के नाम एक शख्स ने तो ये तक लिख दिया कि मैंने गौतम गंभीर का एक इंटरव्यू देखा था जहां वो बताते हैं कि शाहरुख कभी क्रिकेट से जुड़े डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेते, वो कभी कोच और कप्तान से बात नहीं करते, लेकिन यहां तो उल्टा दिख रहा है, ओनर केएल को डांट रहे हैं। ऐसे ही गुस्से में आदमी कुछ ऐसा फैसला करता है जो टीम को नुकसान पहुंचाता है और केएल राहुल के गुट के खिलाड़ी हो सकता है कि इस टीम के साथ आपको अगले आईपीएल में नहीं दिखें, क्योंकि जहां पर सम्मान नहीं वहां रहने का क्या मतलब। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। आप धोनी को पसंद करते हैं या फिर विराट को या फिर रोहित या राहुल को, फर्क इस बात से नहीं पड़ता बल्कि क्रिकेट के हर फैंस को कमेंट कर बताना चाहिए कि राहुल को अब क्या करना चाहिए।